जय गायत्री बच्चों, स्वस्तिक शिक्षण संकुल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा दो में गणित विषय पढ़ने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर है 8 और उसका पार्ट 3, ठीक है, यानी पार्ट 8 का भाग 3। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपको एक चित्र दिया हुआ है, नीचे दिए गए चीज़ों की कीमत जानिए। यहाँ पे आपको चित्र दिए हैं जिसमें पेंसिल कितने की है, 2 रुपये की है, जो आपकी माप पट्टी यानी स्केल जो है वो 4 रुपये की, आपकी जो टोपी है वो 5 रुपये की है, वॉच यानी घड़ी जो है वो 8 रुपये की, और चॉकलेट 3 रुपये की, और ये जो बॉल है ये कितने की है, 6 रुपये, ठीक है। अब उसके बाद में नीचे यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि ऊपर दी गई कीमत अनुसार खाली जगह भरिए। 9 रुपये में हम खाली जगह खरीद सकते हैं। 9 रुपये में हम क्या क्या खरीद सकते हैं, देखो, एक तो स्केल खरीद सकते हैं और एक टोपी खरीद सकते हैं, 4 और 5 कितने हो गए हमारे, 9 रुपये। तो हम यहाँ पे जवाब में क्या लिखेंगे, स्केल और टोपी, ठीक है, स्केल और टोपी दोनों की कीमत हो गई ना हमारी 9 रुपये। फिर 10 रुपये से हम खाली जगह खरीद सकते हैं। 10 रुपये में हम क्या क्या चीज़ें दो खरीद सकते हैं, तो हम एक घड़ी खरीद सकते हैं और एक पेंसिल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे घड़ी और पेंसिल। फिर उसके बाद में 11 रुपये से हम क्या खरीद सकते हैं, अब यहाँ पे 11 रुपये जो है उसमें से हम क्या खरीद सकते हैं, एक बॉल खरीद सकते हैं और एक टोपी खरीद सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बॉल और टोपी। 12 रुपये में हम क्या खरीद सकते हैं, 12 रुपये में हम खरीद सकते हैं एक घड़ी और स्केल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे घड़ी स्केल। स्केल और गेंद खरीदने के लिए हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे, अगर स्केल और गेंद हम खरीदते हैं तो हमें कितने देने पड़ेंगे, 6 रुपये गेंद के और 4 रुपये स्केल के, तो कितने रुपए हुए हमारे, 10 रुपये, कितने रुपए, 10 रुपये। फिर घड़ी और टोपी खरीदने के लिए हमें कितने रुपए चाहिए, अगर हमें घड़ी लेनी हो और टोपी लेनी हो, दो चीज़ें साथ में लेनी हो तो हमें कितना देना है, घड़ी 8 रुपये की है, टोपी 5 रुपये की, तो कितने हुए, 13 रुपये, कितने, 13 रुपये, हम यहाँ लिखेंगे 13 रुपये। फिर पेंसिल और चॉकलेट खरीदने के लिए हमें कितने रुपए देने हैं, और यदि हमें पेंसिल और चॉकलेट खरीदनी हो तो पेंसिल कितने की है, 2 रुपये की, और चॉकलेट कितने की है, 3 रुपये की, तो 3 और 2 कितने हो गए, 5 रुपये, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 रुपये, फिर ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे दिए गए नोट और सिक्के का जोड़ कीजिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिक्के का जोड़ करना है। यहाँ 10-10 की नोट आपको दी हुई है और यहाँ पे 1-1 के सिक्के दिए हुए, तो यहाँ पे 10 की नोट कितनी है, 1, 2, 3, यानी 3 10 की नोट 30 रुपये और 1-1 के 2 सिक्के, तो 30 और 2 कितने हुए हमारे, 32 रुपये, कितने हुए, 32 रुपये। फिर यहाँ पे अगले वाले में आप देखो 10 की नोट कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 10, 20, 30, 40, 50, 50 रुपये ये हो गए, और सिक्के कितने हैं हमारे, 1, 2, 3, 4, 5, तो 50 और 5 कितने हुए हमारे, 55 रुपये, कितने, 55 रुपये। फिर उसके बाद में अगले में यहाँ पे आपको 10 की कितनी नोट दी है, 2, यानी 20 रुपये हो गए आपके पास, और 2 सिक्के, तो 20 और 2, 22 रुपये। फिर उसके बाद में नीचे वाले में देखो आपको कितने 10 की नोट दी है, 1 10 की नोट दी है, और सिक्के कितने गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने, 7, 10 और 7 कितने हो गए हमारे, 17 रुपये, ठीक है। फिर आगे हम देखेंगे यहाँ पे आपको क्या करना है, गिनकर उचित जोड़ियाँ बनानी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको ये देखो उदाहरण दिया हुआ है, आइसक्रीम कितने की है, 13 रुपये की, तो 10 और 1-1 के 3 सिक्के, तो 13 रुपये, तो ये 13 के साथ मिला देना है।
फिर यहाँ पे आपको 3 रुपये दिए, कितने रुपए? 3 रुपये। तो 3 रुपये कहाँ है यहाँ पे आपके? 1, 2, 3। तो आप क्या करोगे, इस 3 रुपये को यहाँ सिक्के से, 3 रुपये के सिक्के से मिला दोगे। फिर उसके बाद में 25 रुपये, कितने रुपए दिए हैं? 25 रुपये। तो 25 रुपये के लिए आप क्या करोगे, ये देखो 10, 20, 20 रुपये ये हो गए, और सिक्के कितने हैं यहाँ पे? 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये क्या हो गया? 25 रुपये। तो इसको इससे आप मिला दें। फिर उसके बाद में आपका है 17 रुपये, कितने हैं? 17 रुपये। तो 17 रुपये के लिए आप क्या करोगे, एक 10 की नोट और 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 10 और 7, 17। तो आप इसको इससे मिला दोगे। फिर आपका लास्ट में बचता है 30 रुपये, ये कंपास कितने का है? 30 रुपये का। तो 30 रुपये कहाँ हैं? 10-10 की, ये देखो 3 नोट हैं, तो आप इसको इससे मिलाएंगे 30 रुपये। फिर उसके बाद में यहाँ पे नोट और सिक्कों का जोड़ कीजिए। आपको यहाँ पे 2 नोट दिए और सिक्के दिए कुछ, तो आपको दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिखना है कि कितने रुपये होंगे। 10, 20 और 1, 21। तो हम यहाँ लिखेंगे 21। यहाँ पे कितना है? 10, 11, 12, कितने रुपए हो गए? 12 रुपये। तो 12 लिखेंगे। फिर यहाँ पे 10, 20, 21, 22, कितने हो गए? 22। तो 22 रुपये। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे आपको 10-10 की 4 नोट, 10, 20, 30, 40, तो यहाँ लिखेंगे 40। आगे आप देखिए, यहाँ पे आपको उदाहरण अनुसार लिखिए 29 रुपये। 29 रुपये में 10 रुपये की कितनी नोट है? 2, और 1 रुपये का सिक्का कितना है? 9। अब है आपका अगला 44 रुपये। 44 रुपये में 10 की कितनी नोट होंगी? 4 नोट होंगी, और 4 रुपये के, 4 रुपये एक एक के सिक्के। फिर 22 रुपये में कितनी नोट होगी? 10-10 की 2 नोट और एक एक के 2 सिक्के। फिर 37 रुपये, 37 रुपये में 10-10 की कितनी नोट हुई? 3 नोट 10-10 की और एक एक के 7 सिक्के। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको 52 रुपये दिए हैं, तो 52 में 10-10 की कितनी नोट हुई? 5, और एक एक के सिक्के कितने हुए? 2। फिर 25 रुपये, 25 रुपये में आपको 10 का कितनी नोट हुई? 2, और एक एक के 5 सिक्के। फिर 43 रुपये, कितने? 43 रुपये। 43 रुपये में 10 की नोट कितनी हुई? 4, और एक के सिक्के कितने हुए? 3। ऐसे रुपये 21 लिखे हुए, तो 21 रुपये में कितने 10-10 की नोट हुई? 2 नोट 10 की हुई और एक का 1 सिक्का। फिर 36 रुपये में इसी तरीके से कितनी नोट हुई? 3 नोट 10-10 की और एक एक के 6 सिक्के। फिर यहाँ पे 51 रुपये, कितने? 51 रुपये। 51 रुपये में 10-10 के कितने नोट हुए? 5, और एक एक का सिक्का 1। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे खाली स्थान भरिए। क्या करना है आपको? यहाँ पे खाली जगह भरनी है। 36 बराबर खाली जगह प्लस 6। 36 बनाने के लिए आपको 6 किस संख्या में जोड़ने पर आपको 36 मिलेगा? तो हम यहाँ लिखेंगे 30। फिर 70 जोड़ कितने 71 होंगे? 1। फिर जोड़ 2 82, तो कितने हो गए? 80। यहाँ पे 60 जोड़ 5, 60 में आप 5 जोड़ोगे तो कितना होगा? 65। फिर जोड़ 3, तो कितने हो गए यहाँ पे? 40। यहाँ पे आपको 50 जोड़ 4, तो कितने हो गए? 54। यहाँ पे 30 जोड़ 8, तो 38। फिर यहाँ पे जोड़ बराबर 40 जोड़ 1, तो 40 में 9 जोड़ने पर आपको कितने होंगे? 49। कितने? 49। तो बच्चों देखो, यहाँ पे आपको जोड़ 4 बराबर 64, तो 64 बनाने के लिए हमें कौन सी संख्या यहाँ पे लिखनी पड़ेगी? 60। 60 में अगर 4 जोड़ोगे तो 64 होगा। इसी तरीके से 90 जोड़ खाली बॉक्स में 94, तो 90 में कितना हम जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे। यहाँ पे 68 है, तो यहाँ पे 60,
यहाँ पे 50 है जोड़ कितना होगा 9, 20 जोड़ 5 तो कितना हो गया 25, फिर 30 जोड़ 6 बराबर 36। ठीक है, तो बच्चों देखा आपने यहाँ पे हमने जोड़ करने सीखी किस तरीके। तो बच्चों देखो यहाँ पे इस तरीके से, उसके बाद में हम आगे देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। चित्रों के अनुसार कोष्टक में संख्या लिखिए, यहाँ पे आपको चित्र देखकर कोष्टक में संख्या लिखनी है। तो चलो यहाँ पे ये कितनी है 10 पेंसिल है, 10 पेंसिल, ये 10 किस तरीके से हम अंक लिखते हैं इस तरीके से, और 1 2 3 4 14 यानी टोटल कितने हमारे यहाँ पे 14। अब 14 में इकाई कौन सी है, जो पीछे की संख्या होती है 4, ये हमारी है इकाई, और ये जो आगे होती है ये होती है हमारी दहाई। ठीक है, अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब किसी भी संख्या को आपको दो अंक में जवाब आए तो आपको ध्यान रखना है कि पीछे की संख्या कौन सी होगी इकाई, और आगे की संख्या कौन सी होती है दहाई होती है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे आगे हम करके देखते हैं। यहाँ पे कितना है 10 20 30 40, कितने हैं 40, और यहाँ पे ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 40 और 7 कितने हो गए हमारे यहाँ पे 47, कितने 47। अब 47 में दहाई कितनी है हमारी 4, और इकाई कितनी है हमारी 7, कितनी 7, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7। उसके बाद में यहाँ पे कितने हैं 10 20 21 22 23 24 25 26 27 28, कितने हैं 28, तो हम पहले तो यहाँ पे लिख देंगे 28, कुल कितने हुए हमारे 28। अब 28 में जो आगे पीछे की संख्या है ये कौन सी है इकाई, तो इकाई हमारी कितनी हुई 8, और दहाई कितनी हुई हमारी 2, कितनी 2, तो इस तरीके से हमें लिखना है। उसके बाद में यहाँ पे इनको भी इसी तरीके से गिन लीजिए 10 20 30 40 50 50 51 52 53 54 55 56, कितनी हुई 56, तो पहले तो हम यहाँ पे 56 संख्या जो हमने गिनी है उसको लिखेंगे। अब इसमें 56 में इकाई की संख्या कौन सी है, ये पीछे की 6, तो हम इकाई के बॉक्स में लिखेंगे 6, और दहाई हमारी कितनी हुई 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। फिर उसके बाद में यहाँ पे इसको भी इसी तरीके से गिन लेंगे 10 20 30 40 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49, कितनी हुई 49। अब इसमें 49 में इकाई कितनी है 9, और दहाई कितनी है हमारी 4, यहाँ पे गिनते हैं 10 20 30 40 50 60 70, कितनी 70, तो यहाँ पे 71 72 73 74 75 76, तो कितनी हुई हमारे यहाँ पे 76। अब 76 में इकाई की संख्या हमारी कौन सी हुई, मैंने आपको बताई है ये पीछे की संख्या 6, तो इकाई वाले बॉक्स में 6 लिखेंगे और दहाई वाले बॉक्स में लिखेंगे हम 7। फिर उसके बाद में यहाँ पे इसको भी गिन लो आप 10 20 30 40 50 60 70 80 90, 90 91 92 93 94 95, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 95। अब 95 में इकाई की संख्या कौन सी है 5, और दहाई हमारी कितनी है 9, तो यहाँ लिखेंगे 9। इसी तरीके से इस बॉक्स को भी आप गिनो 10 20 30 40 50 50 51 52 53 54 55 56, तो यहाँ पे लिखेंगे 56। 56 में इकाई की संख्या कितनी हुई 6, और दहाई हमारा कितना हुआ 5। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको अपनी स्वाध्याय पोथी जैसे मैंने यहाँ पे आपको भरवाई है, इस तरीके से आपको अपनी स्वाध्याय पोथी में भरना है। तो आज के वीडियो के लिए इतने, बच्चों जय गायत्री।